तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो इसमें समझने की है बैठ में, वो ये कि हमारे देश की सरकार ने 550 वस्तुओं पर ये टैक्स लगाया है अभी ये साल। अगले साल सरकार कह रही है कि 2000 वस्तुओं पर और लगाएंगे। चिदंबरम का ये बयान है संसद में, और 2007 में 8000 और वस्तुओं पर लगाएंगे, माने 2007 तक हिंदुस्तान में 10,500 वस्तुओं पर वैट आ जाएगा। कई व्यापारी महाराज जी आज मुझे ये कहते हैं, राजू भाई हमको क्या, हमारे यहां तो वैट नहीं है। जैसे ये कपड़े का धंधा करने वाले लोग हैं ना, टेक्सटाइल वाले, इस पर ये साल वैट नहीं है। तो मैं कहता हूं चिंता मत करो, 6 महीने की देर है, अभी अगला फाइनेंशियल आ रहा है तो तुम्हारे ऊपर वैट आने वाला। तो जो लोग आज ये उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारी वस्तु जो हम बेच रहे हैं उस पर वैट नहीं है, अगले साल ऐसी 2500 वस्तुओं पर कुल हो जाएगा, और उसके अगले साल 10,500 वस्तुओं पर हो जाएगा, और 10,500 वस्तुओं का जो उत्पादन हमारे देश में होता है उससे कितनी वस्तु ज्यादा है कुल, तो मात्र 45 वस्तु बचेंगी जिस पर वैट नहीं होगा, बाकी सब पर वैट होगा। जो कुछ भारत में बन रहा है उसमें मात्र 45 वस्तुएं हैं जिन पर टैक्स नहीं होगा, बाकी सब पर। तो अब हम ये समझ लें कि हम ऐसी कोई वस्तु बेच रहे हैं जिस पर इस साल वैट नहीं है, अगले साल। अच्छा, एक जितना कुछ हम बेच रहे हैं अगर उस पर वैट नहीं है तो ये कल्पना मत करिए कि कभी नहीं होगा, अगले साल से और 2 साल के बाद लगभग 10,500 वस्तुओं पर वैट आ जाएगा। एक कदम आगे चलूं, वैट के बारे में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे देश की सरकार से जो हमें सुनने को मिल रही है, बार बार हमको ये कहा जा रहा है, रोज टीवी में जाहिरात आता है, अखबार में बड़े बड़े जाहिरात आते हैं, रोज वित्त मंत्री का बयान आता है, उसमें 8-10 माहिती वो दे रहे हैं। पहली माहिती दे रहे हैं वैट आने के बाद भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, एक माहिती, हाँ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा। दूसरी वो माहिती दे रहे हैं कि दुनिया के 123 देशों में वैट है तो भारत में भी आएगा, तो विदेश व्यापार में बहुत मदद मिलेगी। तीसरी माहिती वो दे रहे हैं कि इससे भारत के अधिकारियों की अधिकारशाही, ब्यूरोक्रेटिज्म जिसको हम कहते हैं, लाल फीता शाही, अधिकारशाही, वो बहुत कम हो जाएगी। चौथी माहिती वो हमको दे रहे हैं कि भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन का सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा। पांचवी माहिती दे रहे हैं व्यापारियों को बहुत सुविधा और सहूलियत हो जाएगी। छठी माहिती वो दे रहे हैं कि चूंकि पूरा सिस्टम सेल्फ असेस्ड, आपके स्वयं के द्वारा असेस किया हुआ है, इसलिए इसमें आपका महत्व ज्यादा होगा। ये चल रहा है, ठीक। ऐसी ऐसी 10 माहिती दे रहे हैं, मैं आपको एक एक करके इसकी पोल खोलना चाहता हूं, सरकार कितनी झूठ बोलती है हमसे, हमारी सरकार कितना हमसे झूठ बोलती है, उसकी एक एक माहिती मैं आपको अभी देने की कोशिश करूंगा। 2-3 माहिती मैं आपको पहले दे दूं। सबसे पहले जब वैट आया हिंदुस्तान में, आपको मालूम है यही राज्य में आया, याद है आपको 98 में, और परिणाम क्या हुआ, सरकार परेशान हो गई एक ही साल में, और सरकार ने वापस किया उसको। क्यों नहीं लाया आगे तक, क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत तकलीफ हुआ। तकलीफ क्या हुआ, जो अधिकारी वर्ग था उनका यह कहना था कि यह इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको लगातार चलाए रखना मुश्किल है, इससे अच्छा सेल्स टैक्स है। तो महाराष्ट्र राज्य ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया और वापस लिया, क्योंकि यह कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाई दे जाए। दूसरी एक जानकारी आपको दे दूं, हमारे भारत देश में हरियाणा नाम का एक राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भारत के सबसे पहले राज्यों में स्थान हासिल किया वैट लागू करने का। ओम प्रकाश चौटाला ने पूरी ताकत से वैट लागू किया, हरियाणा के व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, ग्राहकों ने बहुत विरोध किया, चौटाला ने किसी का नहीं सुना। परिणाम क्या हुआ, चौटाला बुरी तरह से चुनाव हार गया, और व्यापारी और उद्योगपति ग्राहकों ने कहा कि अगर ये नहीं सुनता है तो कान पकड़ के उतार दो। अब चौटाला को पूछा जाता है कि आप चुनाव हार गए क्यों, तो कहता है मैंने वैट लागू किया, जबरदस्ती किया, इसलिए चुनाव हार गए। मैं आपको एक और महत्व की बात बताता हूं, भारत के जितने मुख्यमंत्रियों ने वैट का समर्थन किया या वैट लागू करने की बात जोर शोर से कही वो सब चुनाव हारे।
महाराष्ट्र के पड़ोस में एक राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सबसे खराब वैट का कानून महाराज जी उसी ने बना, सबसे खराब। और वो सबसे खराब क्या था थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा इस स्लाइड शो में। उसने सबसे खराब वैट का कानून बनाया और सबसे बुरी तरह से चुनाव हारा दिग्विजय सिंह। दूसरा मुख्यमंत्री हमारे भारत देश में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, वो भी बुरी तरह से चुनाव हारा जो वैट का पूरा समर्थन करता था। तीसरा मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा कर्नाटक में, वो चुनाव इतनी बुरी तरह से हारा कि उसकी अपनी पक्ष की सरकार नहीं बनी, उसके सबसे खराब विरोधी पक्ष के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी कर्नाटक में, और एस एम कृष्णा को कर्नाटक छोड़ के महाराष्ट्र आना पड़ा गवर्नर बनकर, राज्य ही छूट गया उसका। वो है तो जितने मुख्यमंत्रियों ने वैट लाया सब बुरी तरह से चुनाव हारे। कारण क्या है? जनता ने पसंद नहीं किया, जनता ने पसंद नहीं किया, व्यापारियों ने पसंद नहीं किया, उद्योगपतियों ने पसंद नहीं किया वैट को। उसका कारण क्या है, क्यों पसंद नहीं किया और क्यों 8 राज्यों में अभी तक विरोध हो रहा है और क्यों मेरे जैसा आदमी इस वैट का विरोध कर रहा है, उसके 3-4 मुख्य मुख्य कारण है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे बड़ा कारण, सरकार कहती है जी दुनिया के 123 देश में वैट है, हम भारत में क्यों नहीं लाए? इसमें सरकार थोड़ा सच बोलती है और बड़ा सच छुपा जाती है। बड़ा सच क्या है? दुनिया के जिन 123 देशों में वैट है वहां पर दूसरा कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, कोई भी दूसरा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, और भारत देश में जहां वैट आ रहा है वहां 14 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, 15वां इनडायरेक्ट टैक्स वैट है। यूरोप के देशों में सबसे पहले वैट आया जर्मनी में, और लैटिन अमेरिका के देशों में सबसे पहले वैट आया ब्राजील। ब्राजील दुनिया का पहला देश है महाराज जी जो वैट लाया, लेकिन लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ब्राजील की सरकार ने सारे दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म किए उसके बाद वैट लाया, और 20 साल महाराज जी ब्राजील की सरकार ने बहस किया वैट पर, संसद के अंदर संसद के बाहर 20 साल के बाद जनता ने जो कुछ सुझाव दिए, व्यापारियों ने और उद्योगपतियों ने जैसा कहा वैसा वैट आया। तो ब्राजील ने 20 साल लगाया वैट लाने के। 1960 में उनके यहां चर्चा शुरू हुई और 1980 में वैट आया, 20 साल लगा उनको अध्ययन करने के। इसी तरह जर्मनी में 12-13 साल बहस चली जर्मन संसद में, उसके बाद वैट आया। जितने भी देशों में वैट है आपको दो बातें महत्व की मैं जानना बताना चाहता हूं, वहां कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, सिर्फ वैट है इनडायरेक्ट टैक्स में। और 23 देश तो ऐसे हैं महाराज जी जहां डायरेक्ट टैक्स भी नहीं है, सिर्फ एक ही टैक्स है वैट। जैसे स्विट्जरलैंड एक देश है, वहां सिर्फ एक ही टैक्स है वैट और वो इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स वहां कुछ भी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स है। लक्जमबर्ग एक दूसरा देश है जहां वैट है, बाकी दूसरा कोई टैक्स नहीं। पनामा एक तीसरा देश है जहां वैट है, बाकी कोई टैक्स नहीं। ऐसे 23 देश हैं दुनिया में जहां सिर्फ एक ही टैक्स है वैट, बाकी दूसरा कोई टैक्स नहीं है। 84 देश ऐसे हैं जहां पर दो ही टैक्स हैं, एक वैट और एक इनकम टैक्स, बाकी कोई टैक्स नहीं। अब भारत की बात करें, भारत देश में 14 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है और ऊपर से वैट। ये स्थिति हमारे देश में, तो आप कल्पना कर सकते हैं जिन देशों ने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म किए और वैट लाया वो सफल होने वाले, क्योंकि जनता को मजा आ गया, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स चले गए, बहुत मजा आ गया, और डायरेक्ट टैक्स भी चला गया और ज्यादा मजा आ गया। अब जिन देशों में महाराज जी डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स भी नहीं है और वैट है, उन देशों में वैट का रेट क्या है, वैट की दर क्या है और कितनी वस्तुएं हैं जिन पर वैट है। स्विट्जरलैंड की बात करता हूं, स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे ऐसा अद्भुत देश है जहां वैट सिर्फ 1.5% है, 1.5%, और सभी वस्तुओं पर एक जैसा है 1.5%। माने 100 रुपए का माल बनाइए, 1.50 रुपए टैक्स में दे दीजिए, बात खत्म हो गई, और सिंगल पॉइंट है महाराज जी,
एक बार के उत्पादन पर आप 1.5 रुपए भर दीजिए 100 रुपए के माल में, उसके बाद जिंदगी भर के लिए भूल जाइए। ना आपको बिल रखना है, ना कैश मीमो रखना है, ना वाउचर रखना है, ना परचेज रजिस्टर, ना सेल रजिस्टर, ना कोई डॉक्यूमेंट। आपने घोषित किया मैंने 100 रुपए का माल बनाया, 1.5 रुपए भर दिया, बात खत्म हो गई। अब उस माल को आप पूरे यूरोप के किसी भी देश में बेचने के लिए भेज दीजिए, कभी भी दूसरा टैक्स नहीं लगेगा। यूरोप के देशों ने क्या किया है महाराज जी, एक दूसरे के देश जहां पर वैट है वहां कस्टम ड्यूटी भी हटा दिया, कस्टम भी नहीं लेते, आयात कर भी नहीं लेते। तो इतना सरल कर दिया उन्होंने टैक्स के स्ट्रक्चर को, वहां कोई भी दूसरा टैक्स नहीं है, सिर्फ एक वैट है और वो भी 1.5% है। दूसरे कई देश हैं वहां पर किसी में 3.5%, 4%, 6%, 7.5%, 8%, 9%, इसके आगे जाता नहीं है। कुछ सेलेक्टेड वस्तुएं हैं जिन पर 17% है, सेलेक्टेड, जिनकी संख्या 20-25 से ज्यादा नहीं है, हजारों दूसरी वस्तुओं पर बहुत कम है और बाकी दूसरा कोई टैक्स नहीं है। यह सबसे महत्व की बात है जानने की। हिंदुस्तान में जो सबसे खराब बात हो रही है वैट में वो ये कि दूसरे ढेर सारे टैक्सों के साथ इसको सरकार ला रही है। एक और महत्व की बात है, यूरोप के सभी देशों में वैट जो है ना वो सैन वैट है, स्टेट वैट नहीं, कहीं भी राज्य सरकार नहीं लाई, केंद्र की सरकार लाई। सैन वैट और स्टेट वैट में फर्क क्या होता है, अगर आप सैन वैट भरते हैं तो अपने माल को उस देश के किसी भी राज्य के किसी भी गांव में कभी भी ले जाके बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्टेट वैट होने से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, सेंट्रल का नहीं है स्टेट का है, और स्टेट में अलग अलग कानून अगर बना दिए हैं तो तकलीफ ही तकलीफ है। तो इंटर स्टेट बिजनेस बहुत तकलीफ में आता है जब स्टेट वैट होता है, और सैन वैट होता है तो इंटर स्टेट बिजनेस बहुत सरल हो जाता है। तो दुनिया के सभी देशों में जहां वैट है वो सैन वैट है, स्टेट वैट नहीं। तीसरी एक और महत्व की बात, जहां भी देशों ने वैट लाया दुनिया के हर एक देश में दो नियम बना दिए उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नियम। क्या बना दिया कि सरकार जो टैक्स ले रही है वो टैक्स की मालिक नहीं है, जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है टैक्स के माध्यम से सरकार उसकी मालिक नहीं है, कस्टोडियन है। ये रूल है उनके नियम, सरकार जितना टैक्स इकट्ठा करेगी उसकी वो मिल्कियत नहीं है, संपत्ति सरकार की नहीं है, सरकार उसकी रक्षा करने के लिए गठित की गई है। जैसे ट्रस्टी होते हैं ना, ट्रस्टी, ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्ति के मालिक नहीं होते, सुरक्षा करने के लिए है। वैसे ही सरकार सभी देशों में सुरक्षा करने के लिए है, मालिक नहीं है। मालिक तो वो है जो टैक्स दे रहा है। तो वहां नियम क्या बना, जब सरकार कस्टोडियन हो गई और टैक्स पेयर मालिक है, तो मालिक को जब भी जरूरत होगी तो पूरा टैक्स वापस होगा, ये नियम है सभी यूरोप के देशों में, लैटिन अमेरिका में भी। अब जरूरत कैसे होगी, मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप फ्रांस में बिजनेस करते हैं और आपको 20 साल हो गया, आप 20 साल से फ्रांस में वैट भर रहे हैं ईमानदारी से टैक्स में। 21वें साल में एक दिन आपको लगा कि ये फ्रांस अच्छा देश नहीं, इससे ज्यादा अच्छा देश जर्मनी है, और आप अपना सारा बिजनेस जर्मनी शिफ्ट करना चाहते हैं। जिस दिन आप सरकार को कहेंगे कि मैं फ्रांस छोड़ के अब जर्मनी में सेटल होना चाहता हूं और मेरा बिजनेस पूरा मैं जर्मनी ले जाना चाहता हूं, उसी दिन आपका 20 साल का एक एक पाई जो आपने पे किया है वो आपको वापस मिलेगा उसी दिन। और सरकार आपको एक धन्यवाद पत्र देगी, भाई बहुत धन्यवाद, आपने 20 साल तक हमको टैक्स भरा, हमने आपके टैक्स का देश के विकास में इस्तेमाल किया, हमें दुख है कि आप हमारा देश छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए ये टैक्स का पैसा आप अपने साथ लेके जाइए क्योंकि हम इसे नहीं रख सकते, हम इसके मालिक नहीं है, मालिक तो आप फ्रांस छोड़ के जर्मनी जाइए, जर्मनी छोड़ के बेल्जियम चले जाइए, बेल्जियम छोड़ के डेनमार्क चले जाइए, डेनमार्क छोड़ के किसी और तीसरे देश में चले जाइए। टोटल जो वैट आपने पे किया है 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल वो एक दिन में आपको पूरा वापस हो जाएगा, आप अपना वैट वापस लेके दूसरे देश में जाइए, बिजनेस शुरू करिए, बिजनेस शुरू करने के बाद वहां पर वैट पे करिए, फिर 20 साल बाद आपका दिल उब जाए वो देश को छोड़कर और किसी में चले जाइए, वापस मिल जाएगा। इस तरह का नियम है सभी देशों में। और एक नियम है, मान लीजिए आपके धंधे को कोई चोट पाई गई, चोट आ गई कैसे, फ्रांस में आप धंधा करते हैं और भूकंप आ गया, धरती कंप आया,
दुकान आपकी टूट गई, फैक्ट्री डूब गई, भूचाल आया, धरती कंप हो गया, आग लग गई, कुछ हो गया, फैक्ट्री बंद, दुकान बंद, सब धंधा बंद, वो दिन आपको आपका पूरा टैक्स वापस मिलेगा, ताकि आप नया धंधा शुरू कर सकें। और नया धंधा शुरू करने में 3 साल तक सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, 3 साल बाद आपसे फिर टैक्स लिया जाएगा। ये 2 नियम है भारत में, ऐसा कोई नियम नहीं है और अगले 500 साल बनेगा उसकी कोई कल्पना नहीं। यहां तो क्या है, जितना मिले खींचे जाओ, लेते जाओ, खींचते जाओ, लेते जाओ, अपनी जेब में रखते जाओ, वापस देने का तो प्रश्न ही भारत में नहीं है। तो जहां वैट है वहां के 3 नियम महत्व के हैं। एक तो सिंगल पॉइंट वैट है, दूसरा टैक्स की दर बहुत कम है, और सेन वैट है, सेंट्रल वैट है, और रिफंडेबल है, और टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करके लाया हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात, जितने यूरोप के देशों में वैट है वहां पर वैट लेने वाला जो अधिकारी होता है उसके पास कोई जुडिशियल राइट्स नहीं होते। जुडिशियल राइट्स का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं। जुडिशियल राइट का मतलब है आपको जेल भेज देने का अधिकार, जुडिशियल राइट है। आपकी संपत्ति जब्त करके बाजार में बेच देने का अधिकार, जुडिशियल राइट है। आपके बीवी बच्चों को जेल भेजने देने का अधिकार, जुडिशियल राइट है। ये किसी भी अधिकारी को नहीं होता यूरोप के किसी भी देश में, और लैटिन अमेरिका के किसी देश में उनको अधिकार नहीं है, जुडिशियल राइट्स नहीं है। उनको सिर्फ ड्यूटीज हैं, राइट्स नहीं, कर्तव्य है। राइट्स तो टैक्स पेयर को है, कर्तव्य तो टैक्स लेने वाले को है, कलेक्टर को है। और ज्यादातर देशों में जब वैट का कमिश्नर या वैट ऑफिसर किसी व्यापारी को फोन करता है तो 1 या 2 कंडीशन में ही फोन कर सकता है, बाकी तो फोन भी नहीं कर सकता वो। कंडीशन क्या है, मान लो आपने टैक्स भरा और गलती से ज्यादा दे दिया, तब वो वैट कमिश्नर आपको फोन करेगा, सर आपका तो मैंने रिटर्न देखा है, आपने तो गलती से ज्यादा टैक्स भर दिया है, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपका वापस पैसा देने आना चाहता हूं। आप बोलेंगे सैटरडे को आना, सैटरडे जो है वीकली ऑफ है, संडे ऑफ है, सैटरडे आना, तो आएगा और आपके हाथ में पैकेट देके जाएगा। वो 10,000 यूरो डॉलर का हो सकता है, 50,000 यूरो। यूरोप के जिन लोगों से मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं भाई वेट कमिश्नर का फोन आया, तो कहते हैं राजीव भाई दिवाली होती है उस दिन, जिस दिन फोन आया दिवाली, पक्का है कि हमको 10-20 हजार डॉलर देने आ रहा है, पक्की बात है, अदरवाइज वो फोन करेगा नहीं आपको। एक तो ये कंडीशन में वो फोन करता है। दूसरा कि आपने मान लीजिए टैक्स भरा है और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई बड़ी भारी गलती हो गई है, कोई ब्लंडर हुआ है, छोटी गलती नहीं बड़ी गलती कोई हुई है, या आपका टैक्स कंसल्टेंट से कोई बड़ी गलती हुई है, तब वो आपको फोन करेगा और आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा कि आपकी ये गलती है, मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाहता हूं। आप उसको अपॉइंटमेंट का टाइम दीजिए, फिर वो आपके साथ बात करेगा। और आप बोलेंगे मेरे घर में आ जाओ तो आ जाएगा, आप बोलोगे मेरी दुकान में आ जाओ तो आ जाएगा। आपको अगर सुविधा है, वो पूछेगा आपको सुविधा है तो आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, आपको कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है आपके ऑफिस में आने का, ठीक है मैं आता हूं आपके पास। ये तो होता है वहां का वैट कमिश्नर। और यूरोप के कोई भी देश का वैट कमिश्नर टैक्स पेयर को सर करके बात करता है, सर सर सर, ओके सर, राइट सर, वेरी गुड सर, फाइन सर, आदि 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 आदि, ये बात करता है। भारत का वैट कमिश्नर आपका सर तोड़ के बात करता, वो तो सर सर करके बात करें। भारत का वैट कमिश्नर तो आप जाओगे तो कमरे में कुर्सी नहीं रखेगा, कहेगा बाहर खड़े रहो, और खुद बैठा बैठा चाय पीता रहे, कहेगा फुर्सत नहीं है, कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ। तो टेंडेंसी में बहुत फर्क है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत महत्व की है, फिर मैं आता हूं मुख्य विषय पर। दुनिया के किसी भी देश के वैट कमिश्नर को पगार नहीं होती है, सैलरी नहीं मिलती, उसको कमीशन मिलता है। जितना वो टैक्स लेगा उसका कमीशन फिक्स होता है, और हर देश में अलग अलग है। कोई देश में 0.5%, माने आपने जो टोटल टैक्स इकट्ठा किया उसका 0.5% आपका कमीशन,
आपने जो टैक्स इकट्ठा किया उसका 1% कमीशन, 1% से कहीं ज्यादा नहीं है और 0.25% से कहीं कम नहीं है। तो 0.25% से लेकर 1% के बीच में कमीशन फिक्स होता है, किसी को सैलरी नहीं है, कमीशन। और एक मजे की बात, किसी भी वैट कमिश्नर को यूरोप के किसी भी देश में सरकार का घर नहीं मिलता रहने के, किराए के घर में रहना पड़ता, सरकार का टेलीफोन नहीं मिलता, सरकार का मोबाइल फोन नहीं मिलता, सरकार की कार नहीं मिलती, सरकार के फोकट के टिकट नहीं मिलते हवाई जहाज में आने जाने के लिए, बीवी बच्चों को तो कभी कोई सुविधा नहीं मिलती। जो करना है अपने पैसे से करना है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं। आपको जो कमीशन मिल रहा है उसी से आपको अपनी जिंदगी चलानी है, बाकी आगे कोई बात नहीं। भारत देश में इसका ठीक उल्टा होता है। वैट कमिश्नर को पगार तो है और उसको ढेर सारे पगार के साथ इमोल्यूमेंट्स, हाउस टैक्स अलग मिलता है, हाउस रेंट अलग मिलता है, उसके बीवी बच्चे बीमार हो जाते हैं उसके लिए पैसा अलग मिलता है, फोकट की बिजली जलाने के लिए, फोकट का डीजल पेट्रोल फूकने के लिए अलग से मिलता है, बीवी बच्चों को हर साल घुमाने के लिए हिल स्टेशन पर जाए अलग पैसा मिलता है, और उसके मम्मी पप्पा भी बीमार पड़ जाए वैट कमिश्नर के तो उनको खर्चा अलग मिलता है। तो भारत का जो वैट कमिश्नर है और यूरोप का वैट कमिश्नर है, जमीन आसमान का अंतर है। हमारे देश की सरकार ने ये सारी माहिती छुपाई लोगों से और बोल दिया कि यूरोप के 123 देशों में वैट है तो भारत में भी आना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि उन 123 देशों में किन आधार पर वैट है और हमारे यहां किन आधार पर आ रहा है। सबसे खराब बात हमारे देश में जो हुई है वैट में, कि ढेर सारे दूसरे टैक्स भरते हुए आपको वैट देना है। अब इसमें एक और महत्व की बात मैं कह दूं, फिर ये स्लाइड में शुरू करूंगा। भारत देश के नागरिक अगर नेट इनकम कर रहे हैं तो उनको टैक्स देना है इनकम टैक्स। बात समझ में आती है, नेट इनकम। और अगर आप ग्रॉस इनकम कर रहे हैं तो अब आपको टैक्स देना है वैट। वैट जो है ना, ग्रॉस इनकम पर लगने वाला टैक्स है। ये बात सबसे महत्व की है जिस पर मैं अब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और महाराज जी से विशेष निवेदन करना चाहता हूं, ये सबको बताएं। आपकी ग्रॉस इनकम अब टैक्सेबल हो गई, नेट इनकम पहले से टैक्सेबल थी, इसका माने आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल हो गई। आप अपनी इनकम छुपा नहीं सकते। वैल्यू एडेड टैक्स लाने के पीछे हिंदुस्तान की सरकार की सबसे बड़ी साजिश है वो ये कि भारत के व्यापारी और उद्योगपति वर्ग की सारी इनकम सरकार की आंखों के सामने रहे, आप उसे छुपा नहीं सके। अभी क्या होता था, अभी जब आप सेल्स टैक्स देते थे तो उसमें ग्रॉस इनकम टैक्सेबल नहीं थी, नेट इनकम टैक्सेबल थी, तो उसमें आप थोड़ी बहुत बचत कर सकते थे। बचत करने को सरकार कहती है कर चोरी, और मैं उसको कहता हूं बचत। सरकार उसको कर चोरी कहती है कि आप टैक्स इवेजन कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि आप इस देश की डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ा रहे हैं। अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हैं तो आप इस देश की बचत बढ़ा रहे हैं। सरकार कहती है कि कर चोरी कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप टैक्स सेविंग्स वो करने से इस देश की बचत बढ़ाते हैं। कैसे? हिंदुस्तान के जो लोग टैक्स में पैसे कटौती करते हैं या टैक्स नहीं भरते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं, जो भी शब्द इस्तेमाल करें, वही लोग सबसे ज्यादा डोनेशन देते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा डोनेशन। महाराज जी मेरे बहुत दोस्त हैं जो हर साल इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, लिए उनके घर में चार चार चार्टेड अकाउंटेंट हैं जिनको महीने का 50,000 रुपए का सैलरी देते हैं। इनकम टैक्स नहीं जाना चाहिए। मैं उनको कहता हूं भाई तुम इतना खर्चा चार्टेड अकाउंटेंट पे करते हो और इतना दान में भी देते हो, रोज का 1,00,000 रुपए का दान दे सकते हो, इनकम टैक्स नहीं देते, रोज का 2,00,000 रुपए का दान दे सकते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते। मैं जानता हूं मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जैन समाज में ही हैं जो रोज का 2,00,000 रुपए दान देते हैं, 3,00,000 रुपए देते हैं, 4,00,000 रुपए देते हैं। साल का उनका जो टोटल डोनेशन है ना, वो मैंने दिन में डिवाइड कर दिया, तो रोज का 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 रुपए तक डोनेट करने वाले लोग इनकम टैक्स नहीं भरते। क्यों? मैंने एक दिन उनसे पूछा, उसमें से कई लोग तो मुंबई में,
तब उन्होंने मुझे एक बहुत गंभीर बात किया और उस दिन से मैं उनको सल्यूट करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सरकार उनको टैक्स चोर कहती है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। वो कहते हैं, राजीव भाई, भारतीय संस्कृति में कुपात्रों को दान नहीं देते। कुपात्र माने भारत की सरकार, उसको हम नहीं दे सकते। आप दान में मांगो तो घर भी खाली कर देंगे। आपको गौशाला बनानी है, हम देंगे 10 करोड़। आपको तालाब खोदना है, हम देंगे 20 करोड़। आपको गरीब बहनों की शादी करनी है, गरीब बेटियों की, हम देंगे 50 करोड़। कोई भी काम के लिए दरवाजा खुला है, इनकम टैक्स नहीं देंगे। और उसमें से एक तो मेरे ऐसे अजीज मित्र, वो कहते हैं, अगर कुपात्रों को दान दिया तो नरक में जाना पड़ता है, हम नरक में नहीं जाना चाहते। अर्थात बात बिल्कुल सीधी सीधी है कि सरकार के टैक्स के पैसे को चोरी करके वो दान में देते हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भारत देश में जो पैसा टैक्स से बचाया जाता है उसी से दान का काम चलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पैसा टैक्स से बचता है वही मंदिरों में काम आता है, वही समाज के काम में लगता है। वो जीव दया के काम में लगे, मंदिर के काम में लगे, मठ के काम में लगे, किसी दूसरे सामाजिक काम में लगे, ये वही पैसा है जो टैक्स से आपने बचा लिया। अब सरकार क्या कह रही है कि आपके पास टैक्स से कोई पैसा बचने ना पाए। वैट के नाम पर आपकी ग्रॉस इनकम टैक्सेबल कर दिया और नेट इनकम टैक्सेबल है। इनकम टैक्स के नाम पर माने टोटल इनकम अब आपकी टैक्सेबल है, माने कोई भी पैसा अब आप बचा नहीं पाए, अर्थात अब आप पैसे का दान नहीं कर पाए। अर्थात पैसे का दान ना हो तो मंदिर और मंदिर से जुड़ी हुई संस्थाएं ना चले। अर्थात मंदिर और मंदिर से जुड़ी संस्थाएं ना चले तो धर्म का काम बंद हो। अर्थात आप सब ईसाई बनने के लिए तैयार हो जाए, यह है असली मकसद बैठ का। और मैं आपको दिखाऊंगा इस स्लाइड में, भारत सरकार ने इतनी बड़ी साजिश किया है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। यह बैट का ड्राफ्ट आया, आपको मैं एक जानकारी देता हूं, यह बैट का ड्राफ्ट आया तो सबसे पहले ड्राफ्ट को बनाने वाली जो कमेटी, असीम दास गुप्ता, मैंने उनको एक प्रश्न पूछा था। इस ड्राफ्ट में एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा, ये प्रोविजन कैसे आया। महाराज जी इसमें एक स्लाइड है, वो आपको तो शायद दिखाई नहीं देगी, लेकिन हाँ वो स्लाइड ये है कि जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भारत में काम करते हैं वो सब टैक्स फ्री, उनको वैट नहीं। All international organizations are VAT free. 22 राज्यों ने कानून बनाया VAT का, सभी राज्यों के कानून में international organizations को VAT free रखा है। अब ये international organization कौन है? जितने भी चर्च organization है सभी international organization, वो सभी VAT free हैं। और जितने हिंदू धर्म के मठ मंदिर हैं वो सभी अब VAT में आ गए हैं। और ये परिवर्तन किस दिन आया? जिस दिन मनमोहन सिंह इस देश का प्रधानमंत्री बना, उसी दिन ये प्रोविजन डाला गया। इसके पहले एक ड्राफ्ट बना था, वो बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी की एक सरकार चलती थी ना, उसमें एक वित्त मंत्री थे, उनका नाम था जसवंत सिंह, और थोड़े दिन एक वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा, उनके समय में जो ड्राफ्ट बनाया गया उसमें यह प्रोविजन नहीं था। आप जरा ध्यान देना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वैट से अलग रखना, यह मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें डाला गया। मनमोहन सिंह इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है, सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री, क्योंकि मनमोहन सिंह इस बात को दो बार अपने मुंह से कह चुका है कि मैं तो मैडम का प्रधानमंत्री हूं। वो पब्लिक मीटिंग में बोला, ऐसे नहीं बोला, एक बार पब्लिक मीटिंग में बोला है और एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। जिस दिन मनमोहन सिंह की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, उसी दिन उसने कहा था मैं मैडम का प्रधानमंत्री, और मैडम बगल में बैठी। पत्रकारों ने कहा आप भारत के प्रधानमंत्री? नहीं नहीं मैं मैडम का प्रधानमंत्री।
अर्थात जैसे मैडम कहेगी वैसे ही मैं करूंगा। मैडम कौन है? क्रिश्चियन लॉबी की सरमुख्तियार सोनिया गांधी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वैट फ्री बनवा दिया, एक प्रोविजन डलवा दिया, सारे चर्च हिंदुस्तान में वो कैथोलिक्स हो या प्रोटेस्टेंट हो सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में गिने जाते हैं। मुंबई में जितने चर्च चलते हैं सभी इंटरनेशनल है। मुंबई तो छोड़ो, गांव के गरीब से गरीब गांव का चर्च इंटरनेशनल है, क्योंकि उसका जो लिंकेजेस है वो यहां नहीं है, वो बाहर है। तो उन्होंने एक प्रोविजन डाल दिया, ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर वैट फ्री, अर्थात सारी क्रिश्चियन संस्थाएं वैट फ्री हैं, ठीक है। अब दूसरा, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं गल्फ कंट्रीज के साथ। आपको मालूम है बहुत सारी मस्जिद भारत में बनती है जिनके लिए पैसा आता है तो वहां से आता है, अरब देशों से आता है, उनके पैसे से यहां की मस्जिद बनती है, उनका एफिलिएशन वहां है। तो जिनको भी पैसा बाहर से आता है उनका एफिलिएशन वहां होता है तो वो इंटरनेशनल हो जाते हैं। तो ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर वैट फ्री, अर्थात मस्जिद और चर्च वैट फ्री, अर्थात मस्जिद और चर्च की किसी भी एक्टिविटी पर कोई टैक्स नहीं, अर्थात मस्जिद और चर्च की किसी भी एक्टिविटी पर सरकार के अधिकारी का कोई अंकुश नहीं। आपकी एक्टिविटी वैटेबल है या नहीं है वो तो सेकेंडरी है, लेकिन आपके ऊपर सरकार का अंकुश है या नहीं वो प्राइमरी है। आपके जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल नहीं है, क्योंकि ये हो नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका एफिलिएशन भारत के बाहर कहीं नहीं हो सकता। इनका सबका एफिलिएशन होगा वो भारत के अंदर होगा। तो भारत के अंदर हिंदू धर्म, हिंदुओं में बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, और तेरापंथी और दूसरे सभी तरह के मत मतांतर के लोग आते हैं, सनातनी भी आते हैं, गैर सनातनी भी आते हैं, सब तरह के लोग, उनके जितने संगठन संप्रदाय संस्थाएं वो सभी वैट के अधीन आ गई। एक और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, सरकार ने यह तय कर दिया है कि अभी जो संस्थाएं प्रॉफिटेबल है नॉन प्रॉफिटेबल है दोनों, ये सभी बिजनेस करती हैं, बिजनेस के डेफिनेशन में डाला है उसको। अभी तक आप क्या करते हैं, आप अगर मंदिर चलाते हैं, मठ चलाते हैं तो आप सेवा करते हैं, लेकिन सरकार ने वो सेवा हटा दिया, अब उसको बिजनेस में डाल दिया। बिजनेस में दो क्लासिफिकेशन किया है, नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस और प्रॉफिटेबल बिजनेस, अर्थात मंदिर मठ सभी नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस में आते हैं, और नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस भी वैट में आ गया। प्रॉफिटेबल बिजनेस तो आ ही गया है, नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस भी आ गया। अब इतनी बातें ध्यान में रखकर अब आप जरा देखिए ये स्लाइड्स, इसमें मैं आपको भैया ऑन करो जरा, हाँ ये तो मैं ये हाथ में ले सकता हूं, ये तो बहुत सरल सी बात है, ये परिभाषा है, लेट अस अंडरस्टैंड वैट। जरा नेक्स्ट वैल्यू एडेड टैक्स, सरकार की डेफिनेशन क्या है? सरकार की डेफिनेशन ये है, ड्राफ्ट में ये डेफिनेशन उन्होंने दिया है, वैल्यू एडेड टैक्स इज मल्टी स्टेज टैक्स लेविड ऑन वैल्यू एडेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉमोडिटी, ध्यान से पढ़ना इसको, ऑफ ए कॉमोडिटी और सर्विस और एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ सर्विस विद और विदाउट मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, विद और विदाउट मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आप कोई भी सर्विस करें, कोई भी काम करें, आप उसमें से प्रॉफिट बनाए या ना बनाए, सीधी सीधी बात है, आप मंदिर चलाते हैं नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, लेकिन ये वैट की परिभाषा में है। महाराज जी आप बैठना चाहेंगे इधर, आप इधर आएंगे देखने के, हाँ ठीक है। तो जो बिजनेस आप करते थे, बिजनेस की अभी तक हमारे यहां डेफिनेशन थी, ऐसा कोई काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाए वो बिजनेस है, और ऐसा कोई काम जो बिना पैसे के किया जाए वो सर्विस है। सेवा और व्यापार में फर्क था, अब सरकार ने क्या कर दिया, सेवा को व्यापार बना दिया।
सबसे ज्यादा विरोध होने की जरूरत है इसी डेफिनेशन पर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिंदुस्तान की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस माने मंदिरों के सारे ट्रस्ट मठों के सारे ट्रस्ट उसको भी तुमने इसमें डाल दिया। और यह बात जब मैंने महाराज जी कई ऐसे सांसदों को कही जो थोड़े धर्म प्रेमी हैं, जो थोड़े जीव दया प्रेमी हैं, जो कभी कभी आप जैसे संतों के प्रवचन सुनने आते हैं दिल में कहीं कहीं कोई दीपक जलता रहता है, उन्होंने कहा राजीव भाई सच में हमको मालूम नहीं ये हो गया, सच में हमको मालूम नहीं ये हो गया। मैंने कहा आप संसद में गए हैं, हमने आपको संसद में इसलिए भेजा है आप वहां बैठे बहस करें चर्चा करें। वो कहते हैं हमको सरकार ने ड्राफ्ट ही नहीं दिया, चर्चा क्या करें। मैंने कहा तुमने चिल्लाया क्यों नहीं संसद में, जितना तुम राबड़ी देवी लालू यादव के लिए चिल्लाते हो और जितना मुलायम सिंह और मायावती के लिए चिल्लाते हो, तुमको इस पर चिल्लाना चाहिए था कि सरकार ड्राफ्ट नहीं दे रही है, ड्राफ्ट नहीं दे रही है, और इतना हल्ला मचाना चाहिए था कि सरकार ड्राफ्ट देती और समय से पहले देती और तुम उसमें ये देख लेते और इस पर संसद में बहस करते या विधानसभाओं में बहस करते और इसको निकलवाते। ये बहस नहीं हुआ, निकाला नहीं गया, इसलिए टैक्स में ये आ गया। अब इस डेफिनेशन से आप समझ लीजिए कोई भी मंदिर, कोई भी मठ, कोई भी संस्था जो लूले लंगड़े व्यक्तियों के लिए काम करे, जीव दया के लिए काम करे, कुछ भी करे, वो सभी वैट में आ गए। वैट में आने का मतलब ये है अधिकारी वर्ग का शिकंजा अवाम के ऊपर आ गया। अब कोई भी अधिकारी कभी भी आ सकता है, आपके ट्रस्ट के सारे अकाउंट चेक कर सकता है, और आपने अगर अकाउंट में कुछ खर्चा दिखाया हुआ है कि हमने तो इतना पैसा खर्च किया कबूतरों को दाना डालने के लिए, तो आपके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है। अब आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और वैट के नियमों में सबसे खतरनाक है महाराज जी, हर बार ऑफिसर को कन्विंस आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू कन्विंस हिम। वो कोई भी क्वेश्चन करे, यू हैव टू कन्विंस हिम, और उसको कन्विंस होने में क्या क्या लगता है वो आप सब जानते हैं। किसी भी टैक्स कमिश्नर को कन्विंस होने में क्या क्या लगता है वो आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो कुछ धंधा व्यापार नहीं करता हूं, जो लोग धंधा व्यापार करते हैं वो मुझे बताते हैं कि राजीव भाई टैक्स कमिश्नर को कन्विंस करना आप समझ लो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। उसको पैसा लगता है कन्विंस होने के लिए, घूस लगती है, रिश्वत लगती है। सिर्फ घूस और रिश्वत तक हो उतनी बात नहीं है, उसके आगे अगर उसकी नजर आपकी कार पर पड़ गई और आपकी कार बहुत अच्छी है तो कन्विंस करने के लिए वो देनी पड़ सकती है। उसकी नजर आपके किसी फ्लैट पे पड़ गई और उसको फ्लैट आपका पसंद आ गया तो फ्लैट उसके नाम करना पड़ सकता है। उसकी नजर आपकी किसी भी चीज पे पड़ गई, कन्विंस करना पड़ेगा। हमारे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं जो यहाँ मुंबई में बिजनेस करते हैं, 1000 करोड़ से ज्यादा का उनका टर्नओवर है, वो कहते हैं राजीव भाई कमिश्नर को कन्विंस करने के लिए डांस बार लगता और डांस बार से भी ज्यादा लड़की लगती है, रात को देनी पड़ती है दारू के साथ, तब कमिश्नर कन्विंस होता है, तब जाके आपको दया प्रेम करुणा के तहत कुछ क्षमा कर सकता है, नहीं तो आपको रगड़ के रख सकता। तो ये डेफिनेशन इतनी खतरनाक है। इसका जो अंतिम वाक्य है कमोडिटी और सर्विसेज और एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ सर्विस विद और विदाउट मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ये सभी अब हमारे यहां तो बैठ नहीं है। जैसे ये कपड़े का धंधा करने वाले लोग हैं ना टेक्सटाइल वाले, इस पर ये साल वैट नहीं है। तो मैं कहता हूं चिंता मत करो, 6 महीने की देर है, अभी अगला फाइनेंशियल ईयर आ रहा है तो तुम्हारे ऊपर वैट आने वाला। तो जो लोग आज ये उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारी वस्तु जो हम बेच रहे हैं उस पर वैट नहीं है, अगले साल ऐसी 2500 वस्तुओं पर कुल हो जाएगा और उसके अगले साल 10,500 वस्तुओं पर हो जाएगा, और 10,500 वस्तुओं का जो उत्पादन हमारे देश में होता है उससे कितनी वस्तु ज्यादा है कुल, तो मात्र 45 वस्तु बचेंगी जिस पर वैट नहीं होगा, बाकी सब पर वैट होगा। जो कुछ भारत में बन रहा है उसमें मात्र 45 वस्तुएं हैं जिन पर टैक्स नहीं होगा, बाकी सब पर।
तो अब हम ये समझ लें कि हम ऐसी कोई वस्तु बेच रहे हैं जिस पर इस साल वैट नहीं है, अगले साल। अच्छा, एक जितना कुछ हम बेच रहे हैं अगर उस पर वैट नहीं है तो ये कल्पना मत करिए कि कभी नहीं होगा। अगले साल से और दो साल के बाद लगभग 10-10.5 हजार वस्तुओं पर वैट आ जाएगा। एक कदम आगे चलूं, वैट के बारे में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे देश की सरकार से जो हमें सुनने को मिल रही है, बार बार हमको ये कहा जा रहा है, रोज टीवी में जाहिरात आता है, अखबार में बड़े बड़े जाहिरात आते हैं, रोज वित्त मंत्री का बयान आता है, उसमें 8-10 माहिती वो दे रहे हैं। पहली माहिती दे रहे हैं, वैट आने के बाद भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। एक माहिती, हाँ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा। दूसरी वो माहिती दे रहे हैं कि दुनिया के 123 देशों में वैट है तो भारत में भी आएगा, तो विदेश व्यापार में बहुत मदद मिलेगी। तीसरी माहिती वो दे रहे हैं कि इससे भारत के अधिकारियों की अधिकारशाही, ब्यूरोक्रेटिज्म जिसको हम कहते हैं, लाल फीताशाही, अधिकारशाही, वो बहुत कम हो जाएगी। चौथी माहिती वो हमको दे रहे हैं कि भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन का सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा। पांचवी माहिती दे रहे हैं, व्यापारियों को बहुत सुविधा और सहूलियत हो जाएगी। छठी माहिती वो दे रहे हैं कि चूंकि पूरा सिस्टम सेल्फ असेस्ड, आपके स्वयं के द्वारा असेस किया हुआ है, इसलिए इसमें आपका महत्व ज्यादा होगा। ये चल रहा है, हाँ ठीक। ऐसी ऐसी 10 माहिती दे रहे हैं, मैं आपको एक एक करके इसकी पोल खोलना चाहता हूं। सरकार कितनी झूठ बोलती है हमसे, हमारी सरकार कितना हमसे झूठ बोलती है, उसकी एक एक माहिती मैं आपको अभी देने की कोशिश करूंगा। 2-3 माहिती मैं आपको पहले दे दूं। सबसे पहले जब वैट आया हिंदुस्तान में, आपको मालूम है यही राज्य में आया, याद है आपको, 98 में। और परिणाम क्या हुआ, सरकार परेशान हो गई एक ही साल में, और सरकार ने वापस किया उसको। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो इसमें समझने की है वैट में, वो ये कि हमारे देश की सरकार ने 550 वस्तुओं पर ये टैक्स लगाया है अभी ये साल। अगले साल सरकार कह रही है कि 2000 वस्तुओं पर और लगाएंगे। चिदंबरम का ये बयान है संसद में, और 2007 में 8000 और वस्तुओं पर लगाएंगे, माने 2007 तक हिंदुस्तान में 10.5 हजार वस्तुओं पर वैट आ जाएगा। कई व्यापारी महाराज जी आज मुझे ये कहते हैं, राजभाई हमको क्या, हमारे क्यों नहीं लाया आगे तक, क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत तकलीफ हुआ। तकलीफ क्या हुआ, जो अधिकारी वर्ग था उनका ये कहना था कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको लगातार चलाए रखना मुश्किल है, इससे अच्छा सेल्स टैक्स है। तो महाराष्ट्र राज्य ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया और वापस लिया, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाई दे जाए। दूसरी एक जानकारी आपको दे दूं, हमारे भारत देश में हरियाणा नाम का एक राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भारत के सबसे पहले राज्यों में स्थान हासिल किया वैट लागू करने का। ओम प्रकाश चौटाला ने पूरी ताकत से वैट लागू किया। हरियाणा के व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, ग्राहकों ने बहुत विरोध किया, चौटाला ने किसी का नहीं सुना। परिणाम क्या हुआ, चौटाला बुरी तरह से चुनाव हार गया, और व्यापारी और उद्योगपति ग्राहकों ने कहा कि अगर ये नहीं सुनता है तो कान पकड़ के उतारो। अब